Dear student, hope you all are well. We are doing unit 6, determiners. In the previous video, I have explained you about the determiners. What are determiners? So determiners are the word that clarify the noun. Whom does it belong? What is the number of the noun? And what is the quantity of the noun? Okay, simple words mein, determiners wo words hote hain जो कि नाउन के बारे में बताते हैं कि कितने नंबर में है नाउन, ठीक है, किसको बिलोंग करता है नाउन, ठीक है, और साथ ही साथ कितनी क्वांटिटी में है नाउन. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 49, वर्कशीट 2. पुट मैनी और मच बिफोर द following words. So here are some words. बहुत सारे कुछ words दिए गए हैं, तो हमें उन words के पहले many और much को लिखना है. But अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने many और much कहाँ लिखना है? तो dear student, there is one note for us. Note that we use many before countable noun and much before uncountable noun. So बच्चा, जो countable noun कौन से होते हैं जिनको हम count कर सकते हैं. For example, अगर मैं कहूँ अपनी books count कीजिए, तो आप फटाफट जल्दी जल्दी उन्हें count कर लेंगे. But अगर मैं कहूँ कि आप star को count कीजिए, आप star को count कर सकते हैं? Possible नहीं है. So उसको हम क्या बोलेंगे? Uncountable noun. तो जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? अगर मैं आपको काउंट करने के लिए बोलूं, तो आप बोल सकते हैं कि 61, ठीक है, इतने भी स्टूडेंट हैं, 32, 35, तो आप काउंट कर लेंगे. लेकिन अगर मैं बोलूँ आप वाटर को काउंट कीजिए, तो आप वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन. तो जो भी काउंटेबल नाउन है उनके साथ हम क्या लगाते हैं? मैनी. और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ क्या लगाते हैं? मच. लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी. बुक्स, क्या हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं? यस. तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? मैनी, एम ई एन वाई, मैनी. होप यू अंडरस्टैंड कि हम मैनी कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर हम नाउन्स को काउंट कर सकते हैं. तो बुक्स को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, कितनी बुक्स हैं. ओके, मिल्क, मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं. तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? मच, एम यू सी एच, मच. देन कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो यहाँ क्या लगेगा? मच, क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, मच. देन काउस, सो काउस को हम काउंट कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, कितनी काउस है शेड में? यस, कर सकते हैं. तो ये क्या है? मैनी, काउंटेबल नाउन है. देन इंफॉर्मेशन, कोई हमें इन्फॉर्मेशन देता है, जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो आप काउंट कर पाओगे? नहीं कर सकते. तो यहाँ पर क्या आएगा? मच, एम यू सी एच, मच. देन कैरेट्स, तुम कैरेट्स को काउंट कर सकते हैं? यस. तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? मैनी. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर मैनी. आप लाइन पे लिख देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ओके, मैनी. नेक्स्ट फूड, फूड को आप काउंट कर सकते हो? नो. तो यहाँ क्या लगेगा? मच, एम यू सी एच, मच. देन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस को हम काउंट कर सकते हैं? यस. कितने बच्चे हैं हम फटाफट बता सकते हैं कि कितने बच्चे हैं नंबर्स में? यहाँ पर आएगा मैनी. देन कार्ड्स, वेरी इजी, अब तो आपको पता लग गया कि हम कार्स, ये क्या है? काउंटेबल नाउन है कार्स, क्योंकि हम कार को काउंट कर सकते हैं कितनी कार्स हैं. तो यहाँ पर आएगा मैनी.
राइस, एक राइस का पैकेट है बहुत बड़ा, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं कितने राइस है उसके अंदर, नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या आएगा, मच। देन चीयर्स, यस वी कैन काउंट द चीयर्स मैनी। नेक्स्ट इज वर्क, क्या काम कर रहे हो, सब काम को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा, मच, MUCH, मच। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैनी एंड मच, आपको समझ आएगा कि मैनी और मच कहाँ यूज़ करते हैं। नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ लिस्ट द वर्ड्स एंड देयर डिटरमिनर्स अंडर द टू हेडिंग्स। तो हमने क्या करना है, जो यहाँ पर हमने डिटरमिनर्स यूज़ किए हैं उन्हें हमें क्या है, नीचे लिखना है। सो हियर वी विल राइट द काउंटेबल नाउन्स एंड हियर वी विल राइट अनकाउंटेबल नाउन, एंड वन हैज़ ऑलरेडी डन फॉर अस, ओके, मैनी बुक्स। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वर्ड्स, मैनी काउ, सो वी विल राइट मैनी काउ हियर, मैनी काउस। देन नेक्स्ट मैनी कैरेट्स, मैनी कैरेट्स। नेक्स्ट इज मैनी चिल्ड्रन, मैनी कार्स। द नेक्स्ट मैनी चेयर्स, सो लाइक दिस वी विल कंप्लीट आवर दिस एक्टिविटी, चेयर। नाउ मच, इट इज़ ऑलरेडी डन फॉर अस, नाउ वी विल टेक मच मिल्क, मच मिल्क। नेक्स्ट इज मच कॉफी, मच कॉफी। नाउ नेक्स्ट मच इंफॉर्मेशन, मच इंफॉर्मेशन। काइंडली राइट डाउन द स्पेलिंग, प्लीज टेक द स्पेलिंग फ्रॉम हियर, आप यहाँ से लिख लेंगे स्पेलिंग इंफॉर्मेशन की, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इज मच फूड, इज ऑलरेडी डन, मच राइस, द नेक्स्ट इज मच वर्क, सो डियर स्टूडेंट द वर्ड्स वी यूज बिफोर नाउन आर डिटरमिनर्स। सो डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे, टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वर्कशीट ऑफ दिस यूनिट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।